व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुहर्रम स्पेशल चौंगे की रेसिपी। इस रेसिपी को काफ़ी लोग पसंद करते हैं और मुहर्रम के मौके पर बनाए जाते हैं। इसे आप दो दिन भी बनाकर रख सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ। ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर देना। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक प्लेट में एक कप व्हीट फ्लोर लिया है, एक कप गेहूं का आटा लिया है, उसमें हम दो चुटकी नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी, हमें ऐड करना है। घी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे आटे के साथ। घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करना है और जैसे हम चपाती का आटा गूंदते हैं उसी तरह हमें इसे गूंद के सॉफ्ट डो बनाना है। आटे को गूंद के हमने इसका सॉफ्ट डो बना लिया है तो अब हम इसे ढककर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हमने यहाँ पर एक सॉस पैन लिया है और सॉस पैन में हम 1/4 कप गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हमने बारीक काट लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पानी। इसका हमें गाढ़ा पानी बनाना है गुड़ का। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने इलायची पाउडर डाल दिया है और इस पानी को हमें गुड़ को मेल्ट होने तक थोड़ा सा पकाना है। फ्लेम को हमने लो रखा है। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और हमने इसे ढककर रख दिया था। हम फिर से इसे हल्का सा गूंद लेते हैं। डो को गूंद के हमने इसके 2 पेड़े बना लिए हैं तो अब हम इसे बेल लेते हैं। पेड़े को हमने सूखे आटे में डिप कर लिया है और अब हम इसे हल्का सा बेलेंगे। इस तरीके से हमने बेल लिया है और अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। हल्का सा आटा डस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसे पैक करेंगे। इस तरह से पैक करेंगे और फिर बेलेंगे। हल्का हमने बेल लिया है और अब हम यहाँ पर एक चकला लेंगे जो जिसके ऊपर डिज़ाइन आती है और ये चकला जो है ये चौंगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस चकले को हमने थोड़ा सा ऑयली किया है ताकि डिज़ाइन भी अच्छे से आ जाएगी और आटा जो है हमारा वो चिपकेगा नहीं। और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये चोंगा हमारा तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा बना लेते हैं। दूसरे पेड़े को भी हमने आटे में डिप कर लिया है और अब हम इसे बेलेंगे। इस तरीके से हमने बेल लिया है और अगर आपके पास इस तरह का डिज़ाइन वाला चकला नहीं है तो आप इस तरह से फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फोर्क लिया है तो फोर्क से आप ऊपर से हल्के हल्की डिज़ाइन लगा सकते हैं। ये इस तरीके से ये इस तरह हम राउंड में करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने फोर्क से डिज़ाइन लगा ली है तो अब हम तवा गरम करने के लिए रख देते हैं। तवा हमारा हल्का गरम हो चुका है तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से चौंगे की रोटी रख देते हैं।
लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे सेकना है। तो अब हम इसे पलट लेते हैं। अल्टी पल्टी करके हमें इसे सेकना है। हमने इसे पलट लिया है और अब हम ऊपर से घी अप्लाई करेंगे और फिर से हम इसे पलट लेंगे और ऊपर से इस तरह से हल्का दबाकर इसे फ्राई करेंगे। घी के साथ हमें इसे अच्छे से सेकना है। दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छा सेक चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तवा हमारा गरम है, दूसरा भी हम चोंगे की रोटी को सेक लेते हैं। अब हम इसे पलट लेते हैं, फिर से सेक लेंगे और इसे ऊपर से घी अप्लाई करेंगे। देखिए दूसरे चोंगे की रोटी को भी हमने सेक लिया है। तो अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोनों चोंगे के ऊपर हमें गुड़ का पानी लगाना है जो हमने बनाकर रख दिया था। गुड़ का पानी भी हल्का ठंडा हो चुका है। ये इस तरह से हम लगाएंगे। आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से आप लगा लेना। और उसके बाद हम यहाँ पे खसखस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से खसखस भी हमने डाल दी है गार्निशिंग के लिए और ऊपर से हम सूखे खोपरे को हमने ग्रेट कर लिया है, खिस लिया है, तो वो भी हम ऊपर से डाल देते हैं। इस तरीके से चोंगे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कितने बेहतरीन लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।